करीबन 8:30 के करीबन आए तो पता चला, तो फिर हम लोग को हालत खराब हो गए। पापा लाए गिरे तो कैसे रे बड़े पापा, और पापा भी ना बड़े पापा गोट करे हिम्मत नहीं होता था, क्या करूं बताना। थानेश्वर साहू के घर पे हम लोग हैं, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई बलौदा बाजार में, और उनका पूरा परिवार जो है रो रहा है इस वक्त, क्योंकि एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है। आप देखेंगे तो पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार में मातरम पसरा हुआ है, चाहे बुजुर्ग हों चाहे महिलाएं हों, रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने को खोया है। उनके पिता हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बहुत दुखद घटना हुआ है। किसे कह रहा हूँ साहब, गोट का रखी हिम्मत नहीं हुआ दादा, क्या करूँ बताना। आखिरी बार क्या बात हुई थी? आखिरी बार बेटा से क्या बात हुआ था? बेटा से खाना खाई से मस्त है, मेरे घूमत रही से, और मैं बहनी मन तीजा बरा रिश्ते ये घर में बैठा रहे पल्ले गिरे हैं, जात हन का हिस्सा अपन खाई से, और मेरे गेरी से, और पाँव पलौटी परे बार अपन जीजा के, ओकर बाद में ये चौक में बैठी से, ओकर बाद में वो डहरगी से वैसा, तो मैं 10-15 मिनट के बाद में पता पाए हाँ कि ओकर ऐसे ऐसे हो गए, मोर लड़का गए कि मोल पते नहीं रही से, पता ही से तब गए हम, तो मैं तो वहाँ तक के लड़का मन और दूसरा लड़का मन धर के लेगी तब जा सके हम, उतके बेर गैया मन आ गए, 2-4 ठन है तेन बांधे पर रुक गए, ओकर अम्मा गिरी से तो तुरंत मतलब देखी ताहू ला लान दीच, नहीं संभाल सकबो इसी के लाके, अब उतके आए सर, अब आप मन के बिनती है भाई, गरीब आदमी बेटे को खोए हैं थानेश्वर साहू। इनके बेटे थे और बहुत जवान बेटे थे, पूरी घर की जिम्मेदारियां संभालते थे, लेकिन बाप के आंख में जो है आंसू हैं, क्योंकि बेटे को खो दिया है इन्होंने। हिम्मत रखिए बाबू, बाबू रे सुरेश बेटा। सुरेश साहू मात्र 22 साल के थे और उनकी दुखद मृत्यु हो गई, और उनकी माता जी है, दुख का पहाड़ टूटा है पूरे घर में। अगल बगल आप देखिए महिलाएं बैठी हुई हैं, माता जी से बात करने की हालात नहीं है, लेकिन बहुत दुख है पूरे गांव में जो है, दुख का पहाड़ टूटा है। छोटा लड़का घर का जो है, उसका देहांत हो गया है। बहुत कम उम्र में भगवान ने इनके बेटे को छीन लिया, यही इसीलिए इनका दुख और दर्द जो है सामने आ रहा है। बहुत बहुत बड़ी दर्दनाक घटना जो हुई है ये, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने बेटा को। ये उसका बेटी है, बहुत तकलीफ है सर। कैसे रे बड़े पापा, मोर पापा भी ना बड़े पापा, खोला पापा के पापा, खोला पापा के पापा।
क्या नाम था इनके पिता जी? पोखरा विश्वकर्मा ये उनका बड़ा भैया है, ये उनकी बेटी है और ये उसका बेटा है। दो ही बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। कमाने खाने का एक ही जने सहारा था। स्वयं बच्चे लोग को मजदूरी करके पहुंचता था। सर बहुत ही दुखद घटना है, बच्चे लोग रो रो के परेशान हो गए हैं, पत्नी भी बहुत स्थिति खराब है। क्या कल सूचना मिला था, कैसे खबर जो घटे थे सब बता बेटा, बता 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 बेटे बैठ जाओ यहाँ से कोई लड़की आया था, वो बोली बहुत झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तो मतलब पापा के लिए चटनी पीस रही थी, खाना खाएंगे ऐसे करके, तो वहाँ जाके देखी तो ये पूरा छिला गया था और उसका कपड़ा जल गया था और आँख में जो पलक रहता है ना वो भी एकदम ही हो गया था और आँख पूरा बंद था। दुख हुआ होगा सुन। हाँ, मेरे पापा मेरा सहारा था, जब मैं रोती थी तो मेरे आंसू को बोलते थे मेरे पापा। हाँ, अपने पापा के बिना कौन से रहूँगी, मैं किसको पापा बोलूँगी। क्या बातचीत हुई थी जाने से पहले? मतलब उसको चाय पीने के लिए वहाँ पे बैठे थे गणेश भगवान के पास ना, तो बुलाने गए थे, तो मैं आ रही हूँ बेटी ऐसे करके बोले उसने, तो मैं आ जाएगा ऐसे करके घर में थी और मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा ऐसे करके। आप लोग बताओगे तो मैं अपने पापा के लिए कुछ काम करूँगी। मेरे पापा का सपना था कि मैं ITI करूँ, लेकिन अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। 10वीं के बाद बोल रहे थे तुम ITI करोगे, जाओ ITI जाओ करके, तो मैं नहीं मैं पढ़ूंगी पापा का, तो उसने मेरे को पढ़ाया। अब उसका ITI करना है और आप लोगों को देखना है कि क्या करना है भाई। दीदी कल क्या हुआ था, क्या सोचा, क्या पता चला था? मैं जाना नहीं रही बुलाई से, फौजी मजदूरी कर सर, कल के हाथ साल में नहीं जाना रहे लड़का मन बताइस था कि हाँ दो जाने। अब तू मन बता है, तू मन कुछ दिला है, दोनों लड़का ला कुछ नहीं है घर में हमारे। कैसे सोचना, हम लोग तो भाटापारा में रहते हैं, सूचना बड़े से मिला है, वही बताए तो हम लोग। तबीयत खराब है करके आकर देखे तो घर में कुछ कोई नहीं थे, बस लेडीज लोग बैठे थे हॉस्पिटल, रोना धोना नहीं, बस बैठे थे। हम लोग को लगा हॉस्पिटल में तबीयत खराब है तो वहाँ पर है, फिर लाएंगे तो देखेंगे, सुबह आएंगे या शाम आएंगे। तो जब रात को करीबन 8:30 के करीबन आए तो पता चला, तो फिर हम लोग को हालत ख़राब हो गए, हम बता नहीं सकते हमारी तकलीफ। मेरे बाबू को मूल बेटा लो बाबू बाबू करके बोलते थे वो। हाँ, उनके दो बच्चे हैं, मेरे चार बच्चे हैं, मैं उनके भाई बहू हूँ। हाँ, गांव घर में खेत खार नहीं है, हम लोग मजदूरी करने के लिए बाहर चले गए हैं, इन लोग रोजी मजूरी यहीं पर करते हैं, कर 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 इन लोग को पढ़ा लिखा रहे थे दोनों बच्चे को। दीदी भी मेरी जेठानी वो भी खेत खा जा जाकर बच्चे लोग को पढ़ा लिखा रही थी,
ऐसे ही हम लोग की जिंदगी चल रहा था।